मैं रोबिन सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूँ, और शायद आपको ये समझ नहीं है, उनके फॉलोअर्स को भी समझ नहीं है। दूध उत्पादक किसान होते हैं जो अपने गांव में घरों में गाय भैंस पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन दूध बेचकर अपना घर चलाते हैं। अब आप लोगों को ये लगता है कि उनको दूध निकालने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, बुरी तरह से रखा जाता है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। 5 भैंसे हैं हमारे पास टोटल, क्या आपको इनको देखकर लग रहा है कि ये दुखी परेशान है? कुछ लोगों का कमेंट्स था दोस्तों कि सड़क पर बेसहारा गाय घूमते हैं, स्लॉटर हाउस के वीडियोस में आपको भेजता हूँ, या उनको कत्ल खाने में ले जाया जाता है, काटा जाता है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो दूध दे रही है, जो दूध उत्पादक गाय है, उनका दूध लेना बंद कर देंगे। किसी भी जीव को पालने के लिए पैसा खर्च होता है, किसान के पास वो पैसा नहीं होता इतना कि वो उन लोग जानवरों को भी रखें जो दूध नहीं देते हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं उनको भी रखें। मुझे नहीं पता रोबिन सिंह जी क्या करते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो सड़क पे आवारा कुत्तों को गायों को पालते हैं, बहुत अच्छी बात है वो करते हैं, उनके पास पैसा है। निवेदन करता हूँ आपसे, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, नहीं समझे होंगे, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपका वीडियो देखा तो आपने बताया कि आप अपने भैंसों को बड़े अच्छे से रखते हैं, तो देखिए मैं तो ये बिल्कुल कह ही नहीं रहा कि गाय को ऐसे रखा जा रहा है या भैंसों को ऐसा रखा जा रहा है। ठीक है, हर कोई अपनी क्षमता अनुसार रख रहा है, कोई मन मुटाव नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है या गलत बताना है। बिल्कुल, तो सवाल ये दो है कि जब वो बूढ़ी हो जाती है तो क्या डेयरी वाले व्यवसायिक तौर पे जो डेयरी कर रहे हैं क्या वो असमर्थ हो जाते हैं उनको रखने में, क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सही है सर, गाय भैंस जब दूध देना बंद कर देती है या फिर जब वो मेल काफ डिलीवर करती है तो आजकल उनका यूज नहीं होता है तो उनको बेच दिया जाता है, ये सही बात है। तो जब उनका यूज नहीं होता तो कोई क्यों खरीदेगा उन्हें? वो बुचड़ खाने जाती है, ये बात भी सही है, मैं इससे भी आपसे असहमति नहीं जता रहा। समस्या पता है कहाँ पे आती है, मतलब देखिए ये तो आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल हो गई ना कि भाई डेयरी वाले जो हैं गाय को भैंस को अपना पैसा कमाने के लिए रख रहे हैं, अब वो जब संसाधनों पे जोर डालेगी, मतलब वो दूध देगी नहीं लेकिन चारा तो वो पूरा ही खाएगी, जगह भी लेगी, तो डेयरी वाले उसको कैसे रख सकते हैं? जी ये तो लॉजिकल बात होगी। अब चक्कर क्या है कि जो हम शाकाहारी लोग हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी वजह से जानवर जो है मरे ना, कटे ना, तो ही तो हम शाकाहारी है ना, तो ही तो हम दूध सॉरी तो ही तो हम मछली अंडा मीट ये नहीं खाते। तो जब हमें पता लगता है कि दूध के पीछे भी गाय कट जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सर देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, आप वेगन हो गए, आप दूध नहीं पीते, अब धीरे धीरे क्या होगा कि हम अनुमान लगाइए कि 25 साल बाद पूरे विश्व में दूध का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाता है, रखने का औचित्य समाप्त हो जाएगा, तो फिर गाय कहाँ जाएगी? धीरे धीरे उनको बूचड़ खानों में ही जाना पड़ेगा, या फिर वो मर जाएंगी, नेचुरल डेथ होगी, या फिर रोड पे आएंगी तो एक्सीडेंटली डेथ होगी, या फिर बूचड़ खानों में जाएगी, ये तीन चीजें होंगी। मैं आपकी बात समझ लेता हूँ कि मान लेते हैं 25 सालों में ऐसा होता है, पर मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर लोग दूध पीना उतना ही जितना आज जितनी रफ्तार से दूध पी रहे हैं उतना ही पीते रहते हैं, सरकार तो कह रही है कि दूध का उत्पादन बढ़ाइए, दुगना कर दीजिए, जी, तो उस केस में भी तो हर साल गाय बूचड़ खाने में जा ही रही है। हाँ उसमें भी जाएगी सर, तो फिर दोनों ही केस में जो केस हम कह रहे हैं उसमें होगा कि चलो एक बार ही जा रही है, जो केस आप कह रहे हैं उसमें फिर हर साल ही जा रही है ना, बछड़े भी जा रहे हैं और बूढ़ी गाय भी जा रही है क्योंकि हर साल पैदा कर रहे हैं ना दूध के लिए, तो फिर उस केस में तो ज्यादा गाय नहीं तड़प रही। लेकिन सर ऐसा होगा कि जब 25 साल बाद जब गायें पूरी तरह से नहीं रहेंगी तब हम खेती के लिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो जो मेन रिसोर्स है कि वर्मी कंपोस्ट वो कैसे जुटा पाएंगे? तो हम सिर्फ गाय गोबर के लिए नहीं पाल सकते, हर साल उसको बारी बारी प्रेग्नेंट ना करें, हर 4-5 साल बाद प्रेग्नेंट कर लें, उससे गौ वंश भी चलता रहेगा, पर कम से कम ये नहीं होगा कि भाई बछड़ों को कटना पड़ रहा है और कम से कम बूढ़ी गाय कटना बंद हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि गाय विलुप्त हो, हम नहीं चाहते कि जैविक खेती से हम और दूर चले जाएं, वैसे तो
भारत में मुझे तो जैविक खेती होती कम ही दिखती है, हम जैविक करते हैं, पर मेरे आसपास जो भी किसान है वो 12-32-16 यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, घास मारने का स्प्रे यूज करते हैं जी, इसीलिए वो गाय भी नहीं पालते। क्योंकि पहले क्या था कि भाई वो खेत में घास होता था वो उखाड़ के लाते थे तो गाय को डालते थे, अब खेत में घास ही नहीं है। आप जाइए गंदम जब लगता है उसमें घास, स्प्रे मार दिया उन्होंने मोनसांटो वाला। बिल्कुल, तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम जब वो दूध देना बंद कर दे या वो बीमार हो जाए या बूढ़ी हो जाए, तो बजाय उनको बेचने के बुचड़ खानों में भेजने के, हम उन्हें रखें, हम रखें वो जब तक जिंदा रहती है तब तक हम उन्हें संभाल के रखें, उनका दाना पानी करें। लेकिन सर दिक्कत कहाँ आती है कि हिंदुस्तान का किसान अभी तक इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वो उनके लिए दाना पानी की अलग से व्यवस्था करें। मैं सर गांव में रहता हूँ, मेरे आसपास देखता हूँ मैं, गर्मी के समय में हमें इतनी दिक्कत आती है पानी की कि जो हमारे पास अभी गोवंश है या भैंसे हैं उनकी व्यवस्था करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम अगर और बढ़ाएंगे गोवंश या पशु, तो उनको संभालना, उनके फिर पानी पे खर्च करना, दाना पे खर्च करना, ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। अगर हम उन्हीं गायों को रख के उनका गोबर का और काव यूरिन का एक बिजनेस मॉडल डेवलप करें, जैसा कि कई जगह कई किसानों ने किया है और मैंने देखा है, वर्मी कंपोस्टिंग करके उनका एक बिजनेस मॉडल तैयार करके उनके दाने पानी की अपन व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक किसान, इंडिविजुअल किसान नहीं कर सकता ये चीज, उसके लिए उसको थोड़ा सा सक्षम होना पड़ेगा सर। मैंने कई किसानों से जैसे ये बात की जी, क्योंकि देखिए मैं तो खेती में नया नया आया हूँ, मेरी बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी की है जी, मेरा खेती में बड़ा इंटरेस्ट है। एक तो मैं खुद साफ खाना खाना चाहता हूँ, दूसरा मैं रोजगार जनरेट करना चाहता हूँ। खैर तो जब मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि मुझे एक बात बताइए कि अगर ठीक है आप कहते हैं कि भाई बूढ़ी गाय का रखने का भाई इतना खर्चा आ रहा है, 1500 रुपए खर्चा आ रहा है, 2000 रुपए खर्चा आ रहा है, वो तो आप गोबर बेच के भी निकाल सकते हैं, तो मैं वो गाय क्यों रखूंगा जो सिर्फ गोबर देती है, गौमूत्र देती है, मैं तो वही गाय रखूंगा ना जो साथ में दूध भी देती है। सही बात है, तो इस बात का क्या जवाब है? तो इसमें लिए तो फिर अगर आप पशु प्रेमी है ही नहीं, आपको लगाव सिर्फ पैसे से है जी, वो मॉडल चलेगा आप बताइए। सर वो मॉडल भी नहीं चलेगा कि सिर्फ आप पैसों के लिए गायों भैंसों को रख रहे हैं, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम अपना जो जीवन यापन के साधन है वो डेवलप करें, क्योंकि आजकल किसानी से आप उतना पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि लोग बोलते हैं, सरकारें बोलती हैं कि आप सब्जी पैदा कीजिए, फल फूल पैदा कीजिए, लेकिन जब तक उनके भंडारण की पूरी व्यवस्था नहीं होगी, उनको सेलिंग मार्केट नहीं मिलेगा, उनको उपज पैदा करके उनको सिर्फ बेकार नष्ट करना होता है। एग्जैक्टली आपने मतलब बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जब आप देखो ना, जब आपका बैंगन निकलेगा सभी किसानों का बैंगन निकलेगा, तो मंडी में तो बैंगन का आपको भाव ना मिलेगा। आप उसके भंडारण की व्यवस्था करके उसको आप कोल्ड स्टोरेज में रखे अपन, और फिर जब अगली मार्केट में हम उसको पहुंचाएं तो वहां ट्रांसपोर्टेशन में भी कोल्ड स्टोरेज सप्लाई हो, तो उसको खराब होने में ज्यादा समय लगेगा, वो ज्यादा समय तक टिकेगा और ज्यादा सप्लाई हो सकती है। मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ, जो हमने मॉडल यहाँ तैयार किया है, जो एक प्रोटोटाइप सक्सेसफुल है, जो मैं लोगों को कहता हूँ कि कर सकते हैं जी, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण फिर भी एक महंगा मामला है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए। मैं कहता हूं कि आप उगा के चीजों को सुखा लीजिए। आप मध्य प्रदेश में है जी, तो वहां बहुत होती है। अब आप जैसे जो जैसे टमाटर है, आपका टमाटर उगाया, आपने टमाटर को काट काट के सुखा लिया, आपने एक तो रोजगार दिया गांव की औरतों को, रोजगार दिया, वही टमाटर जब सूख जाता है तो वो 1000-2000 रुपए किलो अमेजोन पे बिकता है, आपको किसी में बिचौलिए की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बेचिए। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि हम बहुत चीजें ओवरलुक कर रहे हैं, क्योंकि हम चीजें उसी तरह करते आ रहे हैं जिस हिसाब से हम पहले से करते आए हैं और नए मौकों को छोड़ रहे हैं जी। तो क्योंकि मुद्दा तो पैसे कमाना है ना, मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि आप जैसे आदमी को अच्छा लगता होगा अपनी भैंस को बेचना। बिल्कुल नहीं लगता सर, ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो पॉइंट निकल के आता है वो कि इससे कुछ मुनाफा हो जाएगा, अपना कुछ घर खर्च चल जाएगा, या अपने किसी बच्चे की पढ़ाई में या किसी की बीमारी में जो खर्च हो रहा है वो उसमें हेल्प करेगा। राइट।
क्योंकि देखिए मुद्दा तो वही है ना कि हमें भूखे पेट ना होए भजन भाई, पहले अपना जीवन यापन तो करना है ना, गाय भैंस का तो हम बाद में सोचेंगे। सही बात। तो एक बात कही, मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हमने जो गाय बैल रखी हुई, जो हमारा गौवंश है, साथ तो मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं गाय बैल, और बाकी जो है यहाँ पे वो इलाज के लिए आते हैं। तो अब उनके लिए हमें हरे चारे के लिए जैसे हम उगाते हैं जॉई, ठीक है, तो मुझे बड़े टाइम ना, तो जॉई घास होती है, मुझे बड़े टाइम बाद पता लगा ये जॉई जो है, इसको जब आप बीज पे जाने दे तो इसका बीज तो ओट्स है, जो केलॉग्स करके जो इंटरनेशनल कंपनियां इतना महंगा हमें बेचती हैं, तो हम तो घास काट के गाय को खिला देते हैं, इससे अच्छा हम बीज पे जाने दें, हम ओट्स बेच के भी तो पैसा कमा सकते हैं। अच्छा फिर मैं आपको बताता हूँ, जो गेहूं है, गेहूं को हमने धोया, आप लोग भी जैसे गेहूं उगाते हैं तो धो के सुखा के स्टोर करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसको गेहूं को आप धोते हैं, उसको सुखाने से पहले उसको लुंगने दीजिए, अब वो जरा सा लुंग जाता है ना, तो इसको मॉल्टेड वीट कहते हैं। अब इसका जब आपने आटा भंगाया तो वो मॉल्टेड वीट तैयार हो गया, वो नॉर्मल आटे से 3 गुना बिकेगा, अगर आपने जैविक उगा रखा है तो 5 गुना बिकेगा। तो अगर आप आटा 100 रुपए किलो बेच सकते हैं, तो आपको क्या जरूरत है ना कि अपने सर पाप लें, नहीं जी। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो आप बता रहे हैं बिजनेस मॉडल की, मैंने भी वही बात करी कि हम गायों भैंसों को जो दूध देना बंद कर दें उनको रख के एक बिजनेस मॉडल अगर अपन डेवलप करेंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाने का, एक गो अर्क भी आता है गाय काउ यूरिन से बनता है, वो सेलिंग करने का, तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो सक्सेस है। ऐसे ही आप जो फार्मिंग की आप बता रहे, जैसे आप ने बताया कि सुखा के उनको एक अलग लेवल पे अपन पहुंचा के उसकी सेलिंग करके प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं, इसके लिए जो मेन दिक्कत कहाँ आती है कि ट्रेनिंग और उनको समझाने की, उनको वर्मी कंपोस्टिंग करके और उनको ये बताने में कि आप थोड़ा सा जैविक खेती की तरफ जाइए, इसमें ही हमें बहुत कठिनाई होती है। लोग अपनाने में, लोगों को क्या है कि जो चीज चल रही है वो चलने दो, उनको किसी भी रास्ते से थोड़ा सा भी उनको मोड़ अगर वो अपने को देना है तो वो बहुत मुश्किल काम है सर। करेक्ट। हाँ, बदलाव तो मुश्किल होता है, लोगों को क्या यार खुद में ही बदलाव लाना हो। जब मुझे दूध छोड़ना था भाई, मुझे पता लगा कि मेरी वजह से गाय मरती है, और ये मुझे किसी अंग्रेज ने बताया, मैं तो अमेरिका रहता था। अच्छा मैं बड़ा अकड़ को बता रहा कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, हम तो शाकाहारी होते हैं, तुम लोग तो कुछ भी खाते हो। तो उस लड़की ने कहा कि तुम दूध तो पीते हो, तो मैंने कहा दूध पीने के लिए गाय थोड़ा मरती है। तो उसने जब बोला तो मुझे लगा थप्पड़ सा मार दिया, तो उसने कहा तो बूढ़ी गाय कहाँ जाती है, जो गाय को, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गाय का बच्चा पैदा होता है तो गाय दूध देती है। तो शर्म आई बड़ी, अब समझ में आ गई बात। 1 साल लगा मुझे दूध छोड़ने में भाई, इतना चस्का होता है, मैं पंजाबी हूँ, तो हमने तो दाल में घी डालना, पनीर के बिना बात नहीं बनती, मक्खन के बिना परांठे नहीं बने सुबह के, तब मैं था भी 75 किलो का एक्चुअली। तो खुद में ही बदलाव लाने में इतनी देर लगी, तो दूसरों में तो बदलाव लाने में और देर लगती है, ये मैं समझ सकता हूँ। खैर एक बात बताइए, अब जैसे जैसे लोगों में चेतना आ रही है, आपने सुना होगा लोग वीगन हो जाते हैं, और वीगन होना कोई महंगा नहीं है, वीगन होने में तो यही है कि भाई सूखी दाल रोटी खा ली। जैसे आप सड़क के किनारे में मजदूर देखोगे, वो भी तो दाल रोटी खाते हैं, वो कोई पनीर थोड़ा खा रहे हैं, रोज घी थोड़ा खा रहे हैं, लेकिन हट्टे कट्टे होते हैं, आपको 20 गुना वजन उठा लेगा कोई मजदूर जी। तो जैसे लोग वीगन होते हैं और मान लीजिए प्लांट बेस्ड मिल्क की ओर जाते हैं कि भाई मूंगफली का दूध पिए, सोयाबीन का पनीर खाएं, तो आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ये बदलाव हो सकता है, लेकिन फिर हमें सोचना पड़ेगा कि जैसे दूध की सेलिंग कम हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि इस दिक्कत की वजह से दूध की कीमतें बहुत ही कम हो जाएंगी, और दूध बेचकर अपनी दैनिक जीवन चलाने वाले किसान, सर हिंदुस्तान में हर किसान दूध बेच के अपना घर खर्च चलाता है, क्योंकि एक फसल को बोने से लेके कट के मंडी में जाने तक 3-4 महीने लगते हैं, उस बीच उसके जो खर्च का जो साधन होता है वो एकमात्र है दूध बेचना। सोयाबीन हम बोते हैं जुलाई में, कट के तैयार होती है और मंडियों में जाती है अक्टूबर में, इन 3-3.5 महीनों के बीच में अपना रेगुलर इनकम, जो रेगुलर खर्चे हैं, वो सिर्फ दूध बेच के ही आप चला सकते हैं।
हमारी तो जो कोशिश है वही है कि लोगों को दूध के पीछे की सच्चाई है वो भाई पता हो, उसके बाद जैसे उनका मन करे, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये सही है ये गलत है। हाँ, मैं अपने लिए जरूर कहता हूँ कि भाई मैं दूध इसलिए पीता कि मैं नहीं चाहता मेरे पीछे गाय कटे, तो आप भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल सर, आप दूध नहीं पीते हैं इसलिए क्योंकि आपके पीछे कोई गाय नहीं कटे, आप ये नहीं चाहते, बस इतना है। लेकिन आप दूध नहीं पियेंगे तो भी आपके पीछे गाय कटेगी, ये भी सच्चाई। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जाना तो बुजड़ खानों में ही है ना, या मरेंगी किसी ना किसी तरह सर। हाँ, पर एक बार ही मरेगी ना, हर साल नहीं ना, हर साल नहीं पैदा होगे तो नहीं मरेगी। उन किसानों का भी तो सोचिए सर जो इससे अपनी अपना आजीविका चलाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ एक बिच्छू वड्डी करके उगता है पौधा, ठीक है, बिल्कुल जंगली उगता है, यहाँ कड़ी पत्ता जंगली उगता है। हम उसको काट के सुखा के अगर 1,000 रुपए किलो बेच सकते हैं तो आजीविका के लिए, मैं नहीं कह रहा गाय पालनी बंद कर दो, गाय रखो, उसको हर साल प्रेग्नेंट मत करो, क्योंकि उसके बच्चे को रखने की क्षमता नहीं है। यदि अब दिल्ली में मेरी एक मित्र है, वो सैनिक फार्म्स में रहती हैं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए गाय रखी हुई है पूरा, अब एक एक गाय एक एक बछड़ा सब रखा है, उनको दूध 450 रुपए किलो पड़ता है जी। अच्छा, तो ऐसे करना तो संभव है नहीं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई हमारे को दूध सस्ता पड़े इसका खमियाजा गाय को, गाय के बच्चे को, भैंस को भुगतना पड़े, इससे अच्छा हम अपनी आजीविका का स्रोत धीरे धीरे बदल तो सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक नई बात कर रहा हूँ, आपको अटपटी लग रही होगी, पर जी बात तो पैसा कमाने की है ना, ऐसे नहीं तो वैसे कमा लिया, और अगर पैसा कमाने में कोई ना मरे, धीरे धीरे आए ना बदलाव। जैसे आज एक रॉबिन सिंह वीगन हो गया, ठीक है, और साथ ही में एक किसान ने एक भैंस कम रख ली, बिच्छू वड्डी सुखा के बेचना शुरू कर दी, कड़ी पत्ते सुखा के बेचना शुरू कर दिया, ओट्स बेचने शुरू कर दिए, टमाटर सुखा के बेचना शुरू कर दिए, तो वो भी अपनी आय को धीरे धीरे सप्लीमेंट करते गए नई तरीकों से, धीरे धीरे लोग वीगन होते। देखिए, बदलाव रातों रात को कभी भी नहीं आता, आपको खुद पता है जी, बदलाव बहुत धीरे धीरे आते। इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत लंबे ट्रेनिंग की, लंबे लोगों को साथ रखने की, और बहुत रिसोर्सेस अपने को लगेंगे। अरे जनाब, एक बात बताइए, मैं आपको एक बड़ा छोटा एग्जांपल, आप शादीशुदा हैं? जी। आपको पता है शादी बनाए रखने में कितनी मशक्कत लगती है, कितना कुछ पहनना पड़ता है, कितना कुछ बदलना पड़ता है जी। लेकिन आप क्यों करते हैं, आपको अपनी वाइफ से प्यार है ना। एग्जैक्टली। तो अगर हमें एक हमारे देश को गौ से प्रेम है, तो उसके लिए हम झेलेंगे ना, उसके लिए बदलेंगे, बस वही है। सही है सर, थैंक यू, आपने इतना समय दिया और आपने इतनी आपने बात करी मुझसे, बड़ा अच्छा लगा। बाकी कभी आप हिमाचल आए तो आपको खुला नहीं होता है, आप आइए हमारे साथ रहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई जो मैं बातें कर रहा हूँ वो हवाई किले नहीं है, हमने यहाँ पे वो जमीनी स्तर पे किया है। बिल्कुल सर, मैं सोच रहा हूँ आऊं आपसे मिलूं, 2-3-4 दिन रुकूं आपके फार्म पे। प्लीज, जब भी, ठीक है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते, तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है, चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm।